नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से सांसद और केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर बीते दिन औरैया जिले में केयर फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम में जिलाधिकारी सहित मुख्य विकास अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां प्रधानमंत्री की योजना केयर फॉर चिल्ड्रन के तहत कोरोना काल में दो अनाथ हुए बच्चों को गोद लिया। साथ ही इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को अपना नंबर भी दिया। शासन की तरफ से कई योजनाओं के चलते उन्हें चेक देकर बच्चों को लाभ देने की बात कही, जिसमें हर महीने बच्चों को 4,000 रुपये महीने और बच्चों के पढ़ाई के लिए जरूरत पड़ने पर लोन भी दिया जाएगा। जो कोरोना पीरियड में पूरी तरीके से अनाथ हो गए और उनके माँ बाप कोई नहीं, ऐसे बच्चों को प्रधानमंत्री जी ने गोद लेने का काम किया है, जिसमें दो बच्चे मुझे भी गोद लेने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बदायूं के बादशाहबाद के गांव में पति द्वारा पत्नी की हत्या करने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवती अपनी बुआ के घर आई थी। इसी दौरान दोनों पति पत्नी में मामूली विवाद को लेकर बौखलाए पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। रात्रि 12:30 बजे पत्नी की बुआ के घर बादशाहबाद में गोली मारकर के हत्या कर दी। इस घटना की सूचना पे जब मौके पे जाकर के परिजनों से पूछताछ की गई और बातचीत की गई तो पता चला कि प्रमोद की पत्नी अपने चचेरे देवर के साथ हिमाचल प्रदेश चली गई थी। तो बंदा ले आया रात में 8 बजे, वो घर पर करेगी हमारा। फिर उसके बाद रात में 12 बजे आया तो उसके गोली मार दिया। तपाई भाई उसको हटाया तो बोला मैं गोली मार दूंगा। तो यूपी की बस्ती से है ये पूरा मामला, जहां कुछ अज्ञात लोग बोर्ड के छात्रों को कॉल करके परीक्षा में उनके नंबरों को बढ़ाने का दावा करते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिसका ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता दिख रहा है। वहीं वायरल ऑडियो का संज्ञान लेते हुए DIOS बस्ती DS यादव ने कहा कि इसकी सूचना तत्काल बोर्ड को भेजी जाएगी और पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। हमने भी ऑडियो को सुना है, जिसमें दो लोगों के बीच नंबर को लेकर बातचीत चल रही है। मामले की जाँच की जाएगी, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी वायरल वीडियो को हमने भी सुना है और उसमें बातें लोगों के बीच में चल रही हैं और हम तत्काल उसको जो है बोर्ड के संज्ञान में लाएंगे और अपने जनपद के पुलिस प्रशासन के ओर से कार्रवाई के लिए संज्ञान में लाएंगे। हमीरपुर के जसपुरा से कुछ दिन पहले अपहरण हुए बच्चे को स्थानीय पुलिस ने सकुशल ढूंढ निकाला है। बता दें कि पुलिस ने अपहरणकर्ताओं पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए नजर बनाते हुए इसमें सफलता को अंजाम दिया। वहीं पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को सकुशल ढूंढ लिया गया। कछौना नगर के गौसगंज रोड निवासी सौरिमन पटेल पुत्र डॉक्टर शिवराज पटेल ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के आय परिणाम में 281वीं रैंक लाकर माता पिता के साथ साथ नगर और जनपद का नाम रोशन किया। सौरिमन ने बताया कि इस कामयाबी का पूरा श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और मित्रों को देते हैं। और घटना प्रयागराज के यमुनापार शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के टंडन बन की है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पैदल जा रहे युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों ने युवक के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नाराज परिजनों ने उप जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे।
एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, वहीं बस्ती के रैया तहसील के लेखपाल आनंद चौधरी की बुजुर्ग महिला से एक बीघा जमीन का दाम मांग रहे हैं। रैया तहसील के लेखपाल आनंद चौधरी का घूस में पैसे लेने और बदले में एक बीघा जमीन का दाम मांगने का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद तहसील के घूस को लेखपाल एसडीएम ने अरे यार हम कहीं अरे भैया अरे सुना जा आप जा, आपको पैसा इसमें एक वीडियो वायरल हुआ था कि आनंद चौबे तहसील हरिया में है। अभी मेरी एसडीएम हरिया से बात हुई है, उन्होंने बताया कि उसको प्रकरण को संज्ञान लेते हुए निलंबित कर दिया गया और विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही है। ये जाँच का विषय है जो वीडियो वायरल पर प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए कि उनके द्वारा गलत कृत्य है, हमारी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली है उसके तहत बिल्कुल गलत है काम किया, तो उनको सस्पेंशन करते हुए और भी जो कार्रवाइयाँ होंगी वो की जाएगी। कितना पैसा वही करो पास पाँच ऑनलाइन नंगा ना करो हमें फॉर्मोट दे दियो कौन दिक्कत फॉर्मोट ना ही देखो ऐसा है तुरंत महाकल्याण इसको आप दीजिए इसके बाद दीजिए हम चार डार हो ही नहीं आगर नगर पालिका फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में बाबा का बुलडोजर चलने के बाद कई अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि इस अभियान के दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ उपजिलाधिकारी अनिल कुमार सिंह मौजूद रहे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जहां कहीं भी सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं या सड़कों के किनारे लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिए हैं उन सबको तत्काल हटवाया जाए, उसी निर्देशों के अनुपालन में आज की ये कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रोड के किनारे काफ़ी लोगों ने अवैध निर्माण कर लिए थे जिनको आज तोड़वा कर जमीन को खाली कराया जा रहा है। बस्ती जिले के गौर थाना के भवनान गौर तिराहे से पुलिस ने एक शाती टप्पेबाज को अरेस्ट कर दिया। बता दें कि पकड़े गए टप्पेबाज के पास से 50,000 नगद अवैध असलाह बाइक बरामद हुई है। वहीं सिहरैया ने बताया कि टप्पेबाज गौना जिला का रहने वाला है और भवनान में घटना को अंजाम दे करके मौके से फरार हो गया। तभी पुलिस और सर्विलांस सेल की मदद से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और उसके साथियों की तलाश की जा रही है। के साथ टप्पेबाजी हुई थी और 50,000 रुपये उससे ले लिए गए टप्पेबाजी के। इसी संबंध में थाना गौर पर एक मामला पंजीकृत किया गया था जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए और उसका नाम प्रकाश में लाने के लिए हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और आज 30 मई 2022 को SHO गौर ब्रजेंद्र पटेल के नेतृत्व में उनकी टीम जिसमें मुख्य भूमिका चौकी प्रभारी बबनान जयवर्धन की रही और सर्विलांस टीम के सहयोग से जो इसका आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम जितेंद्र बहादुर सिंह और राजन सिंह पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र बहादुर सिंह निवासी नौसहरा परसपुर थाना परसपुर जनपद गोंडा है और इसके पास से टप्पेबाजी के 50,000 रुपये और 1 12 बोर का अवैध तमंचा 1 12 बोर का कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोबाइल नंबर मोबाइल और एक मोटरसाइकिल ये सब बरामद हुई है। बिजनौर के रहने वाली स्मृति भारद्वाज ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा UPSC में 176वां रैंक लाकर बिजनौर जिले का नाम रोशन किया है। स्मृति भारद्वाज मूलतः बिजनौर शहर के साहित्य विहार की रहने वाली हैं। उन्होंने तीसरे अटैम्प्ट में UPSC की परीक्षा पास करने अपने और अपने परिवार सहित अपने गुरुजनों का नाम रोशन करने का काम किया। सेंट मेरी स्कूल बिजनौर से 10th और 12th पास किया है, फिर ITBHU वाराणसी से मैंने इंजीनियरिंग किया है। अच्छा, जो आपको सफलता मिली है इसका श्रेय आप किसको देती हैं? मैं सबसे पहले अपने माता पिता को इसका श्रेय देना चाहती हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है मैंने जो भी करना चाहा है और इन पूरे सालों में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सहायता और सपोर्ट किया है जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। फिर मेरे छोटे भाई ने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की है, जब भी मैंने मुझे कभी लो फील हुआ है उसने मुझे अच्छा फील कराने में मेरी हेल्प की है। मेरे टाइम टेबल और शेड्यूल की अगर बात करें तैयारी किस तरह से
तैयारी मैंने मेरे सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैं दिल्ली गई थी, तो मैंने वहाँ से अपनी ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी की कोचिंग ली थी और जीएस की कोचिंग मैंने नहीं ली थी और मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस ली थी और मैं कुछ दिन में ऐसे 8-10 घंटे पढ़ लेती थी मेंस और प्री से पहले और इंटरव्यू के लिए थोड़ा ईजी था, मतलब थोड़ा लाइट मेरा शेड्यूल था एज़ कम्पेयर टू मेंस। सरोवर नगरी नैनीताल में ठंड सड़क में भगवान श्री शनिदेव मंदिर का जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने शनि मंदिर आकर पूजा अर्चना कर अपने परिवार के लिए कुशल मंगल के लिए प्रार्थना की। इसके अलावा महिलाओं द्वारा मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया जिस पर भक्त लोग मस्ती में नाचते हुए नजर आए। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के मतदान दिवस पर सुबह 7 बजे से ही सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो चुका था। जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा के सभी 151 बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान चला। बूथ्स में स्टार्ट हो गया है, जैसे सुबह से ही मॉक पोल स्टार्ट हो गया था और 7 बजे सभी 151 बूथ में पोल स्टार्ट हो गया है। और जैसे अभी मैंने 2 बूथ विजिट कर लिए हैं और काफ़ी भारी संख्या में मतदाता आ रहे हैं, तो हमें आशा है कि हमारा स्वीप प्रोग्राम और जो जनता का हमें सहयोग मिल रहा है। और मेरा सभी से निवेदन है कि आपके साथी तो बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, तो आप भी घर से निकलें और थोड़ा कष्ट करके मतदान देने जरूर आएँ। धन्यवाद। चारधाम यात्रा के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन करने के मामले में पुलिस ने तीर्थयात्रियों की लिखित शिकायत पर साइबर कैफे संचालक और ट्रैवल्स एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही जांच पूरी कर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत श्रीनगर के स्वेती गांव में चल रहे टनल निर्माण कार्य में कार्यरत एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद अन्य मजदूरों ने निर्माण कार्य बाधित कर मृतक के शव के साथ कार्यदायी संस्था के कार्यालय में धरना प्रदर्शन शुरू किया। बताया जा रहा है कि सुरंग निर्माण कार्य में चालक वीर सिंह की तबीयत खराब होने के चलते उपचार करने के दौरान उसकी मौत हुई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।